भारत के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि दशकों का इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है, हम इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए, प्रभु श्री राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे। लंबे वियोग से आई आपत्ति का अंत हो गया है। प्रभु राम को लेकर न्याय की लंबी लड़ाई चली, न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली है, अब काल चक्र फिर से बदलेगा। पीएम ने कहा कि ये अवसर विजय का ही नहीं विनय का भी है। पीएम के द्वारा ये सारी बातें अपने संबोधन में साझा की गई। उन्होंने कहा कि हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है, भारत के संविधान के पहले प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली है। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है, ये एक काल चक्र का उद्यम है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है, ये क्षण अलौकिक है, ये क्षण पवित्र है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने अपने संबोधन में ये सारी बातों का जिक्र किया। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और सर से हम जानेंगे कि सर जिस तरह से आज अहम दिन तो है ही, अलौकिक दिन है ही, जिस तरह से जो दृश्य पूरी देश दुनिया ने देखा, रामलला विराजमान हो गए हैं, आज सर कैसे आप इसे देखते हैं और पीएम के संबोधन को आप कैसे देखते हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद। पीएम का जो संबोधन था हम सभी ने सुना, साथ ही हमने वो भाव विभोर करने वाली तस्वीरें भी देखी, मन भावुक हो गया। हमने बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी देखे, खुशी के आंसू थे। और पीएम मोदी का जो संबोधन था वो बहुत कुछ कहता है, उनके एक एक शब्द में बहुत बड़ा संदेश है। एक संदेश, जैसा भी आपने कहा कि ये विजय का ही नहीं विनय का भी अवसर है, यानी कि आप विनम्र रहें, कोई भी उत्साह में ऐसा काम ना करें जिससे कि देश का माहौल बिगड़ने पाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। और जैसा उन्होंने कहा जावेद कि न्यायपालिका ने लाज रख ली, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हाँ, इस देश में आज भी न्यायपालिका है और हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं एक सेंटेंस को जहां जरूर डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में और दर्शकों के साथ में, राम आग नहीं राम ऊर्जा है। यह उन लोगों के लिए संदेश है जो कह रहे थे कि यदि राम मंदिर बनेगा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या अलग तरह की स्थितियां बन सकती हैं। उनको संदेश दिया है कि राम आग नहीं है राम ऊर्जा है। राम का प्रभाव के बारे में उन्होंने बात की, राम की दिव्य रूप के बारे में उन्होंने बात की, राम के लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बातचीत की। आप देखें किस तरीके से उन्होंने शबरी का जिक्र किया, निषाद राज का जिक्र किया, उन्होंने जो है जटायु का भी जिक्र किया। अलग अलग तरीके से उन्होंने सबको साधा है और एक मैसेज दिया है कि अब नया वक्त शुरू होगा। जो मैं बात कर रहा हूं कालचक्र की, कालचक्र जब उन्होंने कहा, जब मैं समुद्र के पास गया राम सेतु के लिए, और जब भगवान श्री राम समुद्र पार करना चाहते थे, करने जा रहे थे, उसके बाद कालचक्र बदला था, वैसे ही कालचक्र इस बार भी बदल रहा है। तो मैं इसको सीधे सीधे एक तरीके से 2024 के चुनाव से भी जोड़ के देख रहा हूं कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। और उन्होंने देश की जनता से कह दिया है कि हमें इस राम मंदिर के जरिए 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। एक तरीके से ये एक चुनाव के बारे में मैं समझ रहा हूँ कि ये इस तरीके की बात उन्होंने वहाँ से कही है। बहुत सारे संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन जरूर इसको डिकोड कर रहा होगा, सोच रहा होगा, समझ रहा होगा कि अब क्या करें कैसे करें, क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है। हमने जो तस्वीरें देखी हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें फीडबैक भेजा है बताने के लिए काफ़ी है। पूरे देश के अंदर दीपावली जैसा माहौल है, हर जगह सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं, मंदिर सजे हुए हैं, सड़कों पर फेरियां निकाली जा रही हैं, सुबह से ही प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। अब पूरे देश के अंदर देख लें, और जिस साउथ के बारे में, जिस के बारे में इंडिया गठबंधन कहता आया है कि वहां पर वो बहुत मजबूत है, ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको वहां ज़्यादा उसका वोट बैंक है, वही पीएम मोदी के निशाने पर रहा है। उन्हें बार बार जिस तरीके से जिक्र किया है साउथ का और जिस तरह जोड़ा है, वो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में चारों दिशाओं का जिक्र था, यानी कि हर राज्य का जिक्र था। और ये बताने के लिए काफ़ी है, मैं जो समझता हूँ कि इस राम मंदिर के जरिए बहुत कुछ
बदलेगा और देश की सियासत भी बदलेगी, जिसके बारे में अभी उन्होंने कहा भी कि 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। अब आने वाला भारत कैसा होगा ये आपको तय करना है, किस तरीके का होगा। जावेद, ये है, आप देखें जिस तरह की बातें हुई हैं, और जटायु की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने वहां किया है, और जटायु का जो जिक्र किया, जो बताया उन्होंने कि जटायु जानता था कि रावण को से लड़ नहीं सकता, हार जाएगा, फिर भी उसने चुनौती दी। तो चुनौती की बात कर रहे हैं, किस तरह की चुनौती की बात कर रहे हैं और किस तरह की राक्षस प्रवृत्तियों की वो बात कर रहे हैं, ये शोध का विषय है जो उन्होंने वहां से एक संदेश दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और उन्होंने कहा है कि शांति सद्भाव का प्रतीक है राम मंदिर, राम ही राष्ट्र की चेतना है। आप उस ऊर्जा को देखें जब वो कह रहे थे, जिस तरीके से जावेद, तो ये राम जो है इस देश की पहचान है, और पूरी दुनिया की निगाहें आज राम मंदिर पे थीं। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से वहाँ पूजा पाठ की। आप वो दंडवत प्रणाम भूल सकते हैं जो मंदिर में आज हमने देखा है, वो तस्वीर अपने आप बताने के लिए सब कुछ है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री इस देश को आगे लेके जा रहे हैं और क्या संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। सब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम साधु संत, अगर अभिनेताओं की बात करें, नेता तो थे ही, अभिनेता भी वहां पर मौजूद थे। एक अलग दृश्य वहां देखने को मिल रहा। पीएम मोदी ने एक जिक्र और किया था सर, और वो जिक्र ये था कि लोग कहते हैं हम सामान्य हैं, हम पिछड़ी जाति से, हम नहीं जाएंगे, और गिलहरी का जिक्र पीएम मोदी के द्वारा सर किया गया था। देखिए, जैसे आपने सामान्य श्रेणी की बात की या छोटे की बात की, इसीलिए मैंने एक निषाद राज का भी जिक्र किया, मैंने जो है जटायु का भी जिक्र किया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने कहा कि अपनी महत्ता ना बोले, सभी का योगदान आवश्यक है, गिलहरी भी है उसके अंदर। और जैसे आप साधु संतों की बात कर रहे हैं, 150 परंपराओं के साधु संत वहां पहुंचे थे, ये बताता है कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक धरोहर क्या है, उन्होंने सभी को सहेजा है। तो ये जो दृश्य है, ये भारत की आने वाली राजनीति की एक तरह से नींव रख कर गए हैं, और आने वाले समय में क्या होगा ये अपने आप बहुत दिलचस्प होने वाला है, भारत का जनमानस कैसे लेगा। लेकिन सर, जो संबोधन पीएम मोदी ने अपना दिया, उस संबोधन के दौरान जो शब्द पीएम मोदी के द्वारा अपने जो कह सकते हैं, जो उन्होंने बाण छोड़े पीएम मोदी ने अपने शब्दों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो ये बताता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी देखना और भी बाकी है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, देखना बहुत कुछ बाकी है, और एक एक शब्द को हम डिकोड करेंगे अपने अलग अलग शोज के अंदर, बातचीत करेंगे कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, दानवीर सिंह है, दानवीर से का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दानवीर, जिस तरह से आज अयोध्या रामनगरी तो राममय दिख ही रही थी, और अलग अलग जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के राज्य के, वहां किस तरह का जो है राममय लोग नजर आ रहे थे, किस तरह का अद्भुत दृश्य था, किस तरह से लोग राम की मोह माया में डूबे हुए नजर आए। आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ पा रही है। जनता ने सराहना की है।
अश्वनी सोनकर भी अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्वनी, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आज का जो दृश्य था, फिलहाल अभी की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, अभी कुछ क्या कुछ दृश्य वहां देखने को मिल रहा है। बीपी त्यागी, ठीक है अश्वनी सोनकर तकनीकी खराबी के साथ चलते हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। दानवीर, आपका ही रुख करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे जिस तरह से आपने बताया कि सभी जो है राम की मोहमाया में डूबते हुए नजर आए, एक अलग दृश्य देखने को मिला। अगर बीते दिन पहले की बात करें दानवीर, तो बीते दिन पहले भी जिले में काफी कुछ देखने को मिला था। एक प्रभात फेरी निकाली गई थी और लोग जो है अलग ही राम महिमा में डूबते हुए नजर आ रहे थे। दानवीर, कहीं ना कहीं जो राम भक्ति है वो लोग राम भक्ति में मगन होते हुए नजर आते हैं। सरकारी दफ्तर की बात करें, चाहे प्राइवेट जो दफ्तर होते हैं या फिर जो अपने घरों पर जो चिराग जलने की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं आज वो अभी नजर आ सकती है। जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है राम भक्तों की तरफ से घरों पर चिराग लगाने की, जो अब चिराग कहीं ना कहीं नजर आते हैं आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से आज पूरे जो भक्त राम भक्त थे वो कहीं ना कहीं डीजे गाड़ीबाजी के साथ तमाम कहीं देखिए सुंदर पाठ हो रहा है, तो कहीं राम पाठ जा रहा, तमाम जैसे रामायण जैसे पाठ पढ़े जा रहे हैं। कहीं कहीं भक्त है वो झूठे उड़ जा रहे हैं, और जो सपना सपने की बात कर रहे थे पांडव भक्त पुराना, सपना साकार हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे जनपद की बात करें तो मतदान में तरीके से कह सकते हैं बहुत पर्व के तौर पर ये दिन आज का मनाया गया है। इसे कह सकते हैं जिलाधिकारी मनमिंदर सिंह ने भी भाग लिया था, हनुमान चंद्र को पहुंचे थे मुरादाबाद के द्वारा भी प्रसाद ग्रहण किया गया था। और जिस तरीके से देखिए उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से जनता राम भक्ति में झूमी है, तो हम व्यवस्था देख रहे हैं हमारी सबसे व्यवस्था की है, तो देखते हुए कहीं ना कहीं नजर आए और अच्छा है आज का दिन राम भक्ति में भक्तों का निकला हुआ नजर आ रहा है। जी दानवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दानवीर, दानवीर जिस तरह से मुरादाबाद से आप हमें सारे हालात बता रहे हैं क्या वहां पर रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि मुरादाबाद में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से रहा, पूरे दिन किस तरह की स्थितियां बनी। मुरादाबाद की यदि हम बात करते हैं तो पास में रामपुर है जहां से आजम खां आते हैं, रामपुर की रामपुर चंदौसी टांडा बाजपुर जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर गाँव देहात से लेकर आसपास पूरे धामपुर तक किस तरह की इनपुट आपके पास में है? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सर, आपने दानवीर को भी सुना? बिल्कुल, दानवीर ने जिस तरीके की हमें एक इनपुट दिया है, जानकारी दी है, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पूरा देश या उत्तर प्रदेश, जैसे ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आते हैं जी, पूरा कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है या गांव देहात नहीं है जो राममय नहीं है। हर जगह राम की झांकियां हैं, मंदिर सजाए गए हैं और दीपावली जैसा पूरा माहौल पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जो कहा जाता है कण कण में राम है, और ये जो कण कण में राम है और ये जो माहौल बना हुआ है ये आने वाले चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। ये हमें लोकसभा चुनाव के 2024 में दिखाई देगा कि किस तरह से जनता बाहर निकलेगी और वोट डालेगी। ये इंडिया गठबंधन के लिए एक संदेश है और बताता है कि यदि आप आते जिस तरह से आपको न्योता दिया गया था तो शायद तस्वीर कुछ और होती और आपको भी कुछ ना कुछ राम प्रभु राम का आशीर्वाद मिलता। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ और आपने अपने पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से या अपने सलाहकारों की वजह से जो भी फैसले किए हैं उसका परिणाम 2024 के चुनाव में जरूर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सर, मेरा सवाल यही था कि सर 24 का चुनाव भी नजदीक है
और 24 का चुनाव और प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, आज 22 जनवरी थी, लेकिन पहले से ही सर, पहले से ही लोगों का दशकों से इंतजार, और आज किस तरह से लोग बहुत मदहोश नजर आ रहे थे, किस तरह से खुशी में डूबे हुए थे, हर्षोल्लास में थे, और लोगों की खुशी की वजह से आंसू छलक रहे थे, लोग रोते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, तो ये 24 के चुनाव के लिए सर एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे जहां तक लगता है कि ये राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही एक तरह यही पूरे देश की राजनीति या फिर इस चुनाव की दशा दिशा दोनों को निर्धारित कर चुका है। बिल्कुल सर, ये कर चुका है, इसने कर दिया है। अब सिर्फ ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है और इंडिया गठबंधन कितने कैसे लड़ेगा, लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और भारत का जनमानस जो जहां कहा जाता है कि कण कण में राम है, वो किस तरीके से वोट डालेगा। तो ये अपने आप में दिलचस्प होगा और इंडिया गठबंधन के लिए एक मैसेज है। बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं, वीपी त्यागी जी, मैं चाहूंगा कि सर आप उनसे बात करें, क्योंकि जिस तरह से आज जो दृश्य हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सभी अपने आप में राममय हैं, सभी खुश नजर आ रहे हैं, और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में सर ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि इसका कितना बड़ा संदेश है, और लोगों का जो इंतजार था, लोगों को जो चाहिए था, जनता को जो चाहिए था, जनता तक वो पहुंचा, जनता को वो मिला। बिल्कुल जावेद, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आज का जो समारोह था अयोध्या में जो आपने देखा होगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे समारोह को और क्या समझते हैं आप इसको, इससे डॉक्टर बीपी त्यागी आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बीपी त्यागी, लगता है डॉक्टर बीपी त्यागी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर दोबारा टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा संपर्क साधें। ये जो मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज जावेद जी, कि आखिरकार इंडिया गठबंधन कैसे सोच रहा होगा, सभी की निगाहें स्क्रीन पर लगी हुई होंगी कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, या वो जो दृश्य था उसको उन्होंने जरूर एनालिसिस किया होगा, समझा होगा, और देश की नब्ज को समझने की कोशिश की होगी, आखिरकार ये देश चाहता क्या है, देश का जनमानस चाहता क्या है, और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं क्या वो उनको वोट दिलाएगी या फिर वो जीत दिलाएगी जिसके बिहाव पर वो सोच रहे हैं कि 2024 में वो कुछ बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा जिसे हम कहते हैं महागठबंधन। इस तरह का महागठबंधन शायद देश में पहली बार बना है, एक मैसेज दे रहा है। तो ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब रामलला टेंट में नहीं, अपने दिव्य भव्य मंदिर में रहेंगे, वही रामलला जो कि इस देश की पहचान है, इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, इस देश की धरोहर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि राम का लोकतंत्र कैसा था, वही लोकतंत्र इस देश के अंदर हो, राम राज्य कैसा था, वही राम राज्य इस देश के अंदर फिर से हो। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से आने वाले 1000 साल के भारत की नींव रखी जा रही है, और आपको तय करना है, समझना है कि कैसा राम राज्य होगा या कैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये इस बारे में बात हो रही थी। क्या डॉक्टर बीपी त्यागी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आप। डॉक्टर बीपी त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आज 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, आपने देश के प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन सुना होगा, आप कैसे देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे रामलला आज टेंट से मंदिर में आ गए हैं जी, लेकिन राम राज्य के बारे में मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या जो मंदिर है उनको साफ करके राम राज्य आ जाएगा जो इससे पहले किया गया, और क्या सिर्फ मंदिर को साफ करने से जो भी जहां भी किए गए साफ पूरे देश में जी, वो शहर साफ हो जाएगा,
क्या वहां जितनी भी गंदगी है पार्कों में, वहां जो नदियां हैं, जैसे मैं गाजियाबाद की बात करूं, हिंडन नदी है जी। क्या मंदिर की सफाई से साफ हो जाएगी जी। क्या यहां पर हेल्थ सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, क्या एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। राम राज का मतलब ये था कि अगर एक राम जब बाहर निकलते हैं और एक अपने किसी जो अयोध्या वासी है उसकी आवाज सुनते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि मेरे अगेंस्ट है, ये रामराज के अगेंस्ट है, तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं जी। तो क्या ऐसा कुछ हो पाएगा जी? तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो भी बरकरार हैं, राम राज्य की परिकल्पना अच्छी बात है, लेकिन इन मुद्दों का भी समाधान होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं जी? जी। यदि आप पॉलिटिकली इसको, मैं आपसे पूछ जानना चाहूं कि पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है जी? क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है जी। जो 2024 का चुनाव सामने है, मैं इसको अगर पॉलिटिकली एंगल से देखता हूं तो हिंदू दो भागों में डिवाइड हो गए हैं जी। एक तो जो हमारे चार शंकराचार्य हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं जी, और एक जो ये राम मंदिर ट्रस्ट है जो इसके फॉलोवर्स हैं। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गए हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि सारे हिंदू मेरे साथ हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकी भूल होगी। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं कि ये गलतफहमी का शिकार हो सकती है यदि वह भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है। जावेद, क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं जिस तरह डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं? सर, ये हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी बनता है क्योंकि एक तरफ जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन का जो न्योता इंडिया गठबंधन को दिया गया उसे ठुकरा देना, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सर्वधर्म यात्रा, तो इससे भी एक असर पड़ सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया और जो शब्द, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन उन शब्दों ने यह बयां किया कि आने वाले समय में ये तो देखना पड़ेगा, जिस तरह से आपने हमारा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें उस न्योते में सर पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं था, पॉलिटिकल कोई मैसेज नहीं था, फिर भी इन लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर, मुझे लगता है कि पीएम मोदी के साथ इस बार जनता खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से जो दृश्य देखा गया वो अपने आप में अलग था। सर, डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं एक्चुअल में इस बारे में मेरा विचार थोड़ा सा अलग है जी। अलग इस सेंस में है कि जो सनातन के चार मठ हैं, उनके जो शंकराचार्य हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो मान के चले कि जो ये राम मंदिर ट्रस्ट है और जो उनके फॉलोवर्स हैं वो 50-50 हैं। उन्होंने जो अपनी राय रखी है सभी चैनल्स के सामने, सभी पत्रकारों के सामने, और जो अधूरे राम टेंपल में ये हमारे रामलला जो विराजमान हुए हैं, उस पे उन्होंने कोई शंका जाहिर भी की है कि कोई कोई गलत बात ना हो जाए, कोई क्योंकि पूस का महीना चल रहा है, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं चीजों को जी, तो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो वेट रखते हैं हिंदू समाज के ऊपर, उनकी बातों को नकारा गया है, यानी कि ये इसको अदरवाइज ना लें। मैं माननीय मोदी जी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, ना योगी जी की कोई बुराई कर रहा हूं, पर जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो चारों एक बात कुछ अगर ओपिनियन देना चाह रहे हैं, तो उनकी सलाह को मानना चाहिए था। यानी कि डॉक्टर बीपी त्यागी, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव जो है अभी भी कांटे का होगा और मतदान जो है बटा हुआ है, यानी कि जो पॉलिटिकल माइलेज
भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा जो आप कहना चाह रहे हैं, यानी कि टक्कर जो है कांटे की रहेगी, चुनाव जो है मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, जैसा कि आपने कुछ मुद्दे गिनाए हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं जाएगी। वो क्लियर मैसेज है अजय जी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। अब जैसे हम इस्कॉन की अगर बात लें, गाजियाबाद में वीके सिंह जी ने इस्कॉन मंदिर में सफाई की, लेकिन सेम बीजेपी की मंत्री इस्कॉन वालों को बोलती हैं कि वो तो गाय को और बछड़ों को बुचर खाने में बेचते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाती हैं। वो अभी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं भाजपा में, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सेम भाजपा का मंत्री जाके इस्कॉन में एक इस तरह का सफाई करने का प्रयास करते हैं। इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है, 800 से ज्यादा मंदिर हैं। क्या इस्कॉन और एक ऐसी संस्था है जिसमें सब एजुकेटेड लोग जुड़े हैं, उसका मैसेज क्या जाएगा लोगों के ऊपर? चलिए बीपी त्यागी, देखिए वो एक अलग बहस का मुद्दा रहेगा, फिलहाल आज हम जो बात कर रहे थे कि जो राम मंदिर अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है आज रामलला की, और जो मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया है, उसका क्या संदेश पूरे देश में जा रहा है, उसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं? और जो आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि हिंदू बटा हुआ है शंकराचार्यों की वजह से, और चुनाव जो है मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, इसका ज्यादा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है, यानी कि मुद्दे बरकरार रहेंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं, और बाकी जो मुद्दे हैं जमीनी मुद्दे, वो जरूर चुनाव में हावी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीपी त्यागी हमसे बातचीत करने के लिए जी, धन्यवाद। जावेद, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अलग बात है, प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम था और पीएम मोदी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया, और रामलला टेंट से निकलकर अब मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, सभी के लिए एक खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है, और खुशी का ये क्षण है, और लगातार लोग खुशी जाहिर भी कर रहे हैं, उत्साह उमंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से आज हमने इस मुद्दे को उठाया, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच आएंगे।